13 जून साल 1879 में गणेश दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के भगुर में हुआ। विक्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। गणेश दामोदर बाबाराव सावरकर के नाम से भी मशहूर रहे। बाबाराव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। वीर सावरकर को क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत की स्थापना की प्रेरणा बाबाराव से ही मिली थी। बाबाराव का मानना था कि सशस्त्र क्रांति से देश स्वतंत्र हो सकता है। जब वीर सावरकर इंग्लैंड चले गए तो अभिनव भारत का काम बाबा सावरकर ने अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चल रहे संग्राम में सहभागिता के कारण बाबाराव पर मुकदमा चला, जिसके तहत उन्हें काले पानी की सजा सुनाई गई। सजा के दौरान अंडमान के सेल्युलर जेल में बाबाराव को ब्रिटिश हुकूमत ने अनेक यातनाएं दी। बाद में साल 1921 में उन्हें गुजरात लाया गया और साल भर तक उन्हें साबरमती जेल में कैद के बाद रिहा कर दिया गया। साल 1922 में उन्होंने अपने भाई वीर सावरकर के साथ मिलकर हिंदू महासभा का गठन किया।